की बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है। दीदी ने शर्त रखी है कि कांग्रेस सीपीएम से पश्चिम बंगाल में गठबंधन ना करे। अगर कांग्रेस सीपीएम से गठबंधन करती है तो फिर वो विपक्षी एकता में कोई मदद नहीं करेगी। दीदी की शर्त से कांग्रेस टेंशन में है तो सीएम नीतीश कुमार की मुहिम एकजुट विपक्ष पर खतरा मंडराने लगा है। इस रिपोर्ट में देखिए। महामंथन से पहले ममता बनर्जी ने बढ़ाई टेंशन। कांग्रेस को दीदी का अल्टीमेटम, बंगाल में सीपीएम से गठबंधन मंजूर नहीं। पटना में 23 जून को विपक्षी एकता को लेकर होने वाली बैठक से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डबल दांव खेला है। दीदी ने एक तीर से दो निशाना लगाने की कोशिश की। दीदी दिल्ली के दंगल में साथ रहना चाहती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की लड़ाई में कांग्रेस को अल्टीमेटम दे रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विपक्षी एकता में साथ निभाने को मान गई है। यानी दीदी विपक्षी एकता को लेकर अब मोल भाव करना चाहती हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सामने शर्तें रख दी हैं। दीदी की शर्त है कांग्रेस पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन नहीं करे। अगर कांग्रेस सीपीआईएम के साथ गठबंधन करती है तो तृणमूल कांग्रेस विपक्षी एकता में किसी तरह की मदद नहीं करेगी। आज के तुमरा बोलचो बांग्लाय शांति नहीं, किसेर शांति? सीपीएम एर अमरे कौन शांति छिलो? शोषणेर शांति। कांग्रेस अनेक राज्य चालिएछो, सीपीएम एर सबचेये बड़ दोषोर আর বিজেপির বড় দোসর, আর পার্লামেন্টে আমাদের সাহায্য চাও, আমরা করব তাও বিজেপির বিরুদ্ধে। কিন্তু মনে রেখো, বাংলায় সিপিএম এর সাথে ঘর করে আমাদের কাছে বাংলায় সাহায্য চাইতে আসবে না। কংগ্রেস কে সাথ চলনে কে লিয়ে মমতা বনার্জি কি ইয়ে এসি শর্ত হ্যায় জিস পর ফুট পড় সকতি হ্যায় আর নীতিশ কুমার কি মুহিম একজুট বিপক্ষ কো ঝটকা লাগ সকতা হ্যায়। हालांकि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की दलील है कि 23 जून की बैठक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके लिए 23 तारीख की आहूत बैठक में ये सब सारे बिंदुओं पर विचार करके और एक साथ सारे लोग परिपक्व लीडर हैं देश के, ममता जी सब कुछ समझती हैं और हमको लगता है कि वो अच्छा फैसला लेंगे। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी उम्मीद है कि 23 जून की बैठक में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी, आगे की रणनीति तैयार होगी। जबकि आरजेडी दबे सुर में ममता बनर्जी के बयान का कहीं न कहीं समर्थन कर रही है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह का दावा है कि रीजनल पार्टियां प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। विपक्षी एकजुटता को लेकर आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा से प्रयासरत रहे और उसका नतीजा है कि आगामी 23 जून को पटना में विपक्ष के सभी बड़े नेताओं की बैठक होनी है। इस बैठक में हमें लगता है कि सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी, आगे की रणनीति तैयार होगी। हर रीजनल पार्टियों की अपनी अपनी राज्यों में पहचान है और ये बात हम लगातार कहते रहे। 23 तारीख की बैठक होने के बाद सब कुछ पटरी पर दिखेगा। ममता बनर्जी के टर्म्स एंड कंडीशन पर बीजेपी विपक्षी एकता की मुहिम पर सवाल दाग रही है। दावा है कि ये मिशन इम्पॉसिबल है। उसे कहते आ रहे हैं कि विपक्षी एकता की मुहिम मिशन इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी आपसी वर्चस्व की लड़ाई राज्यों के अंदर है, एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने जो शर्त रखी है उससे कांग्रेस में टेंशन है, तो नीतीश कुमार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पटना से शिवम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुहिम चला रहे